भारतवासी मानते हैं कि दुनिया की 8 दिशाएं हैं। भारतवासी बिलीव दैट देयर आर 8 डायरेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और उनके 4 कोने हैं। एंड देयर आर देयर 4 कॉर्नर्स। हाँ, तो उन 8 दिशाओं में जो उत्तर पूर्व का कोना है, उस दिशा का जो अष्टदेव है वो बड़ा प्रबल है। So, among those 8 directions, the one who is the Ashtadev of the direction towards the northeast corner is very powerful. है? उत्तर प्रदेश में नहीं है। स्टूडेंट शंकर, उत्तर प्रदेश, इट इजंट इन उत्तर प्रदेश, इंडिया। हाँ, याद आया। स्टूडेंट भूटान, इंडिया, यस, नाउ यू रिमेम्बर्ड। उसका नाम है भूटान, बहुत छोटा सा देश। इट्स नेम इज भूटान, इट इज अ वेरी स्मॉल कंट्री। जैसे सिक्किम है ना, छोटा सा प्रदेश। Just like there is Sikkim, a small state, isn't it? हाँ, ऐसे ही उसके पूरब में, भारत के उत्तर पूरब में समझ लो, एक देश है भूटान। Similarly, there is a country called Bhutan in the east. Consider it to be the northeast of Bharat. भूटान बिगड़ा हुआ शब्द है, सही शब्द है भूटान। भूटान इज अ मॉडिफाइड वर्ड, द करेक्ट वर्ड इज भूटान। ब्रू माने भौं, और जब किसी को गुस्सा आती है तो कहता है ब्रू मींस आईब्रोज, एंड व्हेन समवन बिकम्स एंग्री ही स्क्यूज, बाबा डेमोंस्ट्रेट्स। ब्रू माने टान, तान दिया, ब्रकुटी तान दी। ब्रू मींस आईब्रोज, ही स्क्यूड द आईब्रोज। ये तो दक्षिण भारत है, यहाँ रामायण तो पढ़ते ही नहीं है। People don't read Ramayan here in South India. North India में ना रामायण बहुत पढ़ते हैं। In the North India, people read Ramayan a lot. तो उसमें एक चौपाई आई है रामायण की। There is a चौपाई of Ramayan. चौपाई means quatrains having 16 matras per line. ब्रकुटि विलास सृष्टि लय हुई, सपने उन संकट पर ही किस होई। ब्रकुटि विलास सृष्टि लय हुई, सपने हु संकट पर ही किस होई। मतलब जिसकी ब्रकुटि तानने से सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। मीनिंग द वन हु स्क्यूइंग ऑफ द आईब्रो लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। हाँ, उसके ऊपर क्या संकट आएगा। Yes, what trouble will come over him? चौपाई का अर्थ है। This is the meaning of the चौपाई। तो अब बताओ। So now tell me. भारत में कोई देवता है? Is there any deity in Bharat? हाँ? वो कौन सा देवता है? Who is that deity? कि आज के जो वैज्ञानिक वो तो अहंकार करते हैं, हमने ऐसे ऐसे एटम बम बना के रखे हैं कि दुनिया को चुटकी में नष्ट कर दे। Today's scientists certainly have this ego. We have made such atom bombs which can destroy the world in a second. लेकिन वो डिंग मारते हैं कि हमने ऐसी ऐसी चीज तैयार कर ली है। They boast, we have made such things. लेकिन अगर उन्होंने ऐसी चीज बना ली तो उसको यूज क्यों नहीं कर पा रहे। But if they made such things, why aren't they able to use them? क्या? What? Student comments. आज से 70-72 साल पहले 1945 में
जैसे आज के बच्चे खेलते हैं ना, बम फटा के छोड़ाते हैं दीपावली पे। 70 और 72 years ago from today, in the year 1945, just like today's children play, they burst cracker bombs on Deepavali, that is, a light of festivals. ऐसे उन्होंने 20-20 मेगावाट की बम्बियां बनाई थी वैज्ञानिकों ने। Similar to it, the scientists had made small bombs of 20 megawatts. हाँ। Student comments, yes. और जापान के दो बड़े बड़े शहरों को नष्ट कर दिया। And two big cities of Japan were destroyed. और आज उन्हीं वैज्ञानिकों ने हजारों हजार वाट के एक एक देश में ढेरों बॉम्ब बना के रखे हुए। And today, those very scientists have made and kept numerous bombs of 1000 megawatts in each country. कितने साल हो गए? How many years passed? अरे वो 20-20 मेगावाट के बनाए हुए कितने साल हो गए? अरे how many years have passed after making those 20 megawatt bombs? 70 years. और अब 70 साल के बाद उनके पास हजारों हजार मेगावाट के बॉम्ब पड़े हुए हैं एक एक देश में कई कई। And now, after 70 years, they have 1000 megawatt bombs. There are many such bombs in each country. गिनती ही नहीं है किसी के पास। No one has its calculation. लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है। But they don't have the courage. क्या? What? कि उनका विस्फोट कर दें। To explode them. तो वो बड़े बड़े वैज्ञानिक समझते हैं कि इस दुनिया में हम ही बड़े ताकतवर। So, those big scientists think that they alone are powerful in this world. लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि भारत का एक वैज्ञानिक है जो इतना बड़ा विज्ञानवादी है। But they just don't know that there is a scientist of Bharat who is such a great scientist. कि तुम तो बम्ब बना बना के रखे हैं। You have just made those bombs and kept them. उसके पास जो योग बल का परमात्म बम्ब है वो इतना बड़ा तैयार हुआ पड़ा है कि तुम्हारे बम्बों को बम्बियों को सारे देश में जितनी बनाई हुई रखी है सब का ध्वंस हो जाएगा। But the Paramatma bomb, through the strength of yoga that he possesses, has already become ready so much that the bombs and small bombs which you have made and kept in all the countries, everything will be destroyed. सारी दुनिया ही ध्वंस हो जाएगी, एक भी नहीं बचेगा। The entire world itself will be destroyed. Not a single one will remain. उसकी यादगार है Bhutan. Its yadgar is Bhutan. क्या? What? Bhutan. Bhutan.